क्वेश्चन जो साइन कराने हैं, ये छोटे भरा दे मेरे ना करैक्टर, छोटा भरा ना कहने करैक्टर बनाना है बाइक ला दा होगा किस बिच ना नमस्ते वो साकी वीडियो तो भी आया है ना फोन वीडियो छड़ी के भैन डीसी को जा यार मैं अपना मैं देखना नहीं मैं वीडियो नहीं देखना वीडियो बड़ी दा करा दा भाई गल्ला ऐसे थोड़ी बात मैं उनका कौन है लिख के मैं दूंगा या कौन दूंगा नहीं आप ही दोगे लिख के कैसे कह रहा तू फलाने से दिया बोला जा फलाने मैं देखूंगा नहीं सर हमने बढ़िया ट्रैक्टर आई नो वेरी वेल मैं तो विकास तुम्हें बनना चाहता हूं कुटेर में सर भाई का बना रहा हूँ मैं अपना फोन बना रहा हूँ करते हो कभी कहता मैं इसको बोल रहा मैं उसको बोल रहा हूँ तू पता है उसका बोल रहा है मैं हूँ घर का प्रधान मैं देखूंगा मैंने क्या करना है कौन कैसा है सर गाली तो मत दो आप गाली है बकवास कर रहा गाली है ना भी गाली ये गाली है बदमाश को मैं जानता हूँ कि कौन है गाँव में झूठे ने क्या हुआ पहले एक आदमी ने बस आठ को पुलिस वाले मारते पहले बकवास करना पहले ज्यादा सर भाई का बनाना केस साढ़े को रजिस्टर्ड हो गए पहले फिर गल करा दे सू करैक्टर बना दियो करैक्टर बना दियो मैं वीडियो बनाया मैं फलाना कराया तू जिन मत क्या प्रधान मैं मैंने जनता ने मुझे चुना है कैसे चुना बता दो वीडियो का वीडियो है मैं वोट तो मैं पाए जिम्मेवारी किसे दी है जिम्मेवारी किसके पास है बता दू मुझे नहीं आपके पास ही बस दे इधर उधर की नहीं कि मैं ट्रैक्टर बोलिया मैं वीडियो बोलिया मैं फलाने बोलिया मैं फलाने बोलिया मैं देखा अपनी ये भैन है पिंड मेरे से कि बंदा किदा है ये मैं देखना है मौका मैं देखना कि मैं तू तो टेलीफोन किराया करी दे उसी कर जिस मर्जी कर लू जिन मर्जी जिदे को मर्जी जा सर छोटे का बन गया ट्रैक्टर एक भाई केस को करने सारे थोड़ी आए आए थे पर उनके लिए आए थे हमारे लिए नहीं आए थे तेरे घर में नहीं आए थे हमारे घर में कहाँ आए थे पहली बात है जब कर तुम तेरा है ट्रैक्टर ट्रैक्टर तेरा है इनका है इसके पास में दुकान है और तू गेटक मैं कह रहा हूँ तू गेटक चल 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 हाँ क्या बोल रहा तू क्या चल बोल रहा हूँ बोलो बोलो तू क्या बोल रहा है बस आई एम रेसिडेंट फ्रॉम हियर कोई नहीं कोई नहीं जाओ ना सर इन्हें फिर क्या चल बोल रहा हूँ बकवास दिखा तू चल थोड़े दिन जैसे कि ये शाहिदीन बोस का लड़का जाहिर आवाज खान तो ये मेरे पास दो तीन चक्कर लगा बैठे हैं कि मुझे हमें करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाए मेरे को ये मैंने पहले भी सुना था कि ये बंदूक लेने के चक्कर में है इन लोगों के खिलाफ एसटीएम साहब ज्वाली के पास ही कई आपराधिक मामले सुनवाई के लिए लंबित हैं और ये जो फाइलें हैं ये भी मैंने खुद नहीं बनाई है ये पुलिस विभाग द्वारा ये केस रजिस्टर्ड इनके खिलाफ हुए हैं और हमारे पास पंचायत के पास सुनवाई के लिए आए हुए हैं और जो कि मुकदमा केस FIR नंबर 65/20/24/2020 को जो कि सेक्शन 341 343 504 और 34 IPC के तहत रजिस्टर्ड है और इन्हीं के खिलाफ सुनवाई के लिए पंचायत के पास लंबित है और बार बार जब पंचायत को स्ट्रेस करते हैं आकर कि हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट बनाओ
हमने कुछ नहीं किया, कब आप लिखोगे कि कब हम केस को खत्म कर रहे हैं? तो ये केस पुलिस द्वारा पंचायत को सौंपे गए हैं, तो अब ये इनकी सिलसिलेवार ही सुनवाई होगी। और जहाँ तक बंदूक की बात है, कल को अगर बंदूक का इनका लाइसेंस जारी कर भी देते, करेक्टर सर्टिफिकेट बना देते हैं, तो कल को ये किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो क्या इसके लिए पंचायत कल को जिम्मेवार होगी? जब बाद में बताती है, तो जब हमें पता चला होगा कि इनके पूरे गांव में बहन के आसपास पूछा जाए किस परिवार का क्या हिसाब किताब चला हुआ है, तो मैं तो यही कहा प्रशासन और पुलिस और प्रशासन से मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके प्रति सचेत रहना पड़ेगा। केवल चार परिवारों की चार कनाल जमीन, और उसके लिए 20 बार तो हम ही इनके घर सुनवाई के लिए जा रहे हैं, सिपाही से लेकर SM साहब तक, और दूसरी तरफ पटवारी से लेकर तहसीलदार साहब तक, पूरी पंचायत कई बार कई इनके, लेकिन ये ना मानू वाली मैं ना मानू वाले हुए चक्कर पे चले हुए हैं। और अब आप लास्ट में ये आगे कि हम बंदूक का लाइसेंस लेंगे और कल को इसके लिए पंचायत उत्तरदायी नहीं होगी। ये थी बग्गा कुटेर से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट।